सब्सक्राइब करें मेरे चैनल साहिल अग्रवाल को और दबाएं बेल आइकन रोज एजुकेशनल वीडियोस के न्यू अपडेट्स जानने के लिए। हेलो, मेरा नाम है साहिल और आज हम डेटा साइंस पे प्रोजेक्ट कर रहे थे। जहाँ तक अब यहाँ पर हमने सबसे पहले डेटा को इंपोर्ट कर दिया है, ठीक है। डेटा को ये हम टॉपिक करने वाले हैं, ये है पहले डेटा को इंपोर्ट करना, फिर मैट्रिक्स फीचर करना और मिसिंग वैल्यू और कैटेगोरियल डेटा फीचर से। सबसे पहले इंपोर्ट डेटा, डेटा को इंपोर्ट करने के लिए हमें यह डालने वाली कमांड डेटा, अपने आप में वेरिएबल का नाम देना होगा pd.read_csv, फिर फीचर मैट्रिक्स कैसे करेंगे। फीचर मैट्रिक्स का मतलब है जो आपने फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स ये कंट्री, एज, सैलरी, अपॉर्चुनिटी आदि फीचर्स, तो हमें इनको अलग अलग करना होता है। सबसे पहले हम एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं कैपिटल, ठीक है। इसमें हम फीचर्स को लेना चाहते हैं एक्स डेटा सेट, ठीक है, डॉट ILOC इनपुट लोकेशन, और यहाँ पे हमें इसमें स्लाइसिंग करनी है, स्लाइसिंग कॉमा स्लाइसिंग, इसका मतलब है ऑल, ऑल से लेकर माइनस वन तक डेटा आएगा, यानी मतलब ये उठाएगा जीरो इंडेक्स से, एक्सेल ये लास्ट वाला नहीं उठाएगा, ये यहाँ तक डेटा उठाएगा और ये यहाँ से रो उठाएगा, ठीक है। तो सारी रो और कॉलम उठा दिए इसने, यहाँ से रो और कॉलम उठा ली और डॉट यहाँ पे से क्या उठा लिया वैल्यूज, डॉट वैल्यूज, तो यहाँ से सारी वैल्यूज को ले लेगा। इस कमांड को मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। सो कंट्रोल एंटर, सो यू कैन सी ओके। सो यहाँ पे हम ये करते हैं, मैं डालता हूँ x, यहाँ पे आप देखिएगा x की वैल्यू, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं पर जीरो इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो सारी आ गई। ऐसे ही हमें y के लिए करना, तो y इंडेक्स के लिए मैं यहाँ लिखा y इज इक्वल टू सेम डेटा सेट डॉट आई इनपुट लोकेशन। अब यहाँ इंडेक्स में हमें देना है सारी वैल्यूज और लास्ट, तो उसके लिए हम देंगे कोलन कॉमा और हमें दोनों लिखिए थर्ड इंडेक्स, ठीक है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये हमने करा वाई और यहाँ टाइप कर दीजिए वाई, यहाँ पे देख सकते हैं यस नो। तो इस तरह से अब हम इसमें डेटा को एंटर कर, डेटा को हमने सेपरेट कर लिया है अलग अलग, ठीक है। अब एक चीज़ जो आती है वो है कि अब हमारा जो डेटा है, यहाँ आप देखिए यहाँ मिसिंग वैल्यूज है, सो हम इस मिसिंग वैल्यू को कैसे दूर करें। सो इसके लिए हमें ये एक लाइब्रेरी जो है sklearn की, वो प्रोवाइड कराती है, जिसका नाम होता है, मैं आपको बताता हूँ sklearn में मिसिंग वैल्यूज। तो मिसिंग वैल्यूज के लिए हमें क्या होता है, देखेंगे यहाँ फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग स्पेस इम्पोर्ट, इम्प्यूटर को इम्पोर्ट करके क्या होगा, ये आपका जो मिसिंग वैल्यूज है उसको हटा के NaN आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, वेब्स वाले में इम्पोर्ट कर लिया, हमें लिखते हैं इम्प्यूटर इज इक्वल्स टू इम्प्यूटर, ठीक है। और अब यहाँ पे हम इसके फीचर्स को देखते हैं, तो उसके लिए करना होता है ठीक है, पैरामीटर्स देखते हैं हम इसके। यहाँ सब मिसिंग वैल्यूज के लिए हमें डालना पड़ते हैं तीजा NaN जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और स्ट्रैटर्जी के लिए हमें जो करना होता है मीन, इसमें हम मीन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम क्या करेंगे, जो ये कैटेगोरियल डेटा है हमारा, इसमें हम इस पूरे का मीन निकालेंगे और उसको NaN के जगह फिक्स कर देंगे, इस पूरे का निकालेंगे NaN के जगह फिक्स कर, इससे क्या होगा हमारा डेटा ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो इम्प्यूटर हमें यहाँ इसके फंक्शन में डालना है,
sync underscore values ठीक है is equals to n a n वो भी इन्वर्टेड कॉमास में ठीक है ये आ गया। और दूसरा हमें अब क्या चाहिए है स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी हमें चाहिए मीन, मीन मीडियन मोड ऑफ जो चाहे वो यूज करते हैं, तो हम यहाँ मीन यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट ही मीन यूज करते हैं, तो यूज करेंगे स्ट्रेटजी strategy स्ट्रेटजी इज इक्वल्स टू मीन ठीक है। तो ये मीन हमने स्ट्रेटजी ले ली। इसके बाद हमें एक्सेस यूज करनी होगी, एक्सेस के लिए क्या लिखी है इफ एक्सेस बिलो देन द इंप्यूट एनालॉग इस कॉलम एंड इफ वन देन द इंप्यूट along with rows, so rows and columns के लिए, so हम यहाँ कर देंगे access is equals to zero, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे impute, ठीक है, impute is equals to imputer imputer is equal to imputer dot computer dot computer dot fit computer dot fit। so यहाँ पे हमें इंडेक्स लेना है, हमें x पे करना है काम, यहाँ ले लिया हमने x, x में हमें कहाँ से इंडेक्स चाहिए कि सारे 1 से लेके 3 तक ठीक है। सो अभी हम इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल एंटर इंप्यूटर इट्स नॉट डिफाइन, ओ सॉरी आई यहाँ कैपिटल आएगा अनस्टेट इंप्यूटर अब चलेगा। सो लेट्स रन इट अगेन, is not what was the error, there is an error there, let me check x dot missing values okay ये n a n है, यहाँ पे वो यही एरर दे रहा था, ये छोटी छोटी गलतियाँ यहाँ पे ध्यान रखनी है स्पेलिंग में। या देखिए अभी हो गया, सो अब हम यहाँ पे कंप्यूटर में अभी जो है ये हमारा जो आंसर आया है वो नहीं है, अभी हमें इसको सेव करना पड़ेगा, बिकॉज अभी अगर हम मैं एक्स अगर यहाँ डालता हूँ, अगर आप देखेंगे यहाँ कि अगर मैं यहाँ एक्स डालूंगा अभी भी, अगर मैं यहाँ एक्स डालता हूँ अभी भी तो ये अभी इसको पुराना वाला ही आ रहा है, तो हमें इसको ठीक करना होगा। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैपिटल एक्स, उसके बाद हमें उस लोकेशन पे डालना होगा, सेम वही चीज आएगी कॉमा 1 से लेके 3 तक ठीक है। अब यहाँ इज इक्वल टू के साथ हमें इम्प्यूटर लगाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करके इसको इम्प्यूटर आई कैपिटल इम्प्यूटर स्मॉल आई लेंगे बिकॉज ऑफ हमारा इस वाले इम्प्यूटर में डेटा आ गया है, फिर सो स्मॉल आई ले लेंगे इम्प्यूटर 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 डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांस फॉर्म ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे इंडेक्स आएगा एक्स के लेके 1 2 3 ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हमें रन करना है, चलिए इसे रन करके देखते हैं, कंट्रोल एंटर। Now you can see the data, यहाँ x डाल के देखिए capital x, so इसमें क्या होगा देखिए missing values की जगह 3887 आ गया यहाँ और यहाँ 637, तो ये mean की value यहाँ पे आ गई है ठीक है। तो इस हिसाब से अब आप इसमें missing values को भी find हटाकर उसमें अपनी values डाल सकते हैं। अभी इस video में इतना ही, next video में हम देखेंगे हम कैटेगोरियल डेटा को कैसे सेट करें और उसमें कैसे प्रोसेसिंग करें। अभी के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए।
मेरा चैनल और प्लीज डू एंड लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? थैंक यू सो प्लीज डू एंड सब्सक्राइब लाइक माय चैनल। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कैटेगोरियल डेटा के बारे में, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब सो वी कैन डू मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।